हम यहाँ पे जाने वाले हैं। तो हम आ गए हैं अभी बोट्स के बीच में, हमारा छोटू सा क्यूट सा बोट, ये देखो जैसा हैप्पी। यहाँ पे भी हम जा सकते हैं। हम भी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा नजारा है। लेकिन इस बार फाइनली हम जाएंगे ब्यूटीफुल स्टारबक्स इन द वर्ल्ड। मम्मी को एक्चुअली पानी बहुत पसंद है, पता है। ये देखो बोट आ चुकी है, फाइनली हम पहुँच गए हैं गोल्ड सुक। गोल्ड की ज्वेलरी तो सुनी थी, देखो गोल्ड का ड्रेस है ये खाली, सब प्यारा लग रहा है। मम्मी को घर जाके सरप्राइज देंगे। गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आज है संडे और आज है दुबई में हमारा लास्ट डे, और लास्ट डे का हमने कुछ थोड़ा सा यूनिक प्लान किया है। तो ये व्लॉग में मैं आपको पूरा प्लान बताऊंगा और पूरा प्लान दिखाऊंगा कि हम क्या कर रहे हैं। तो चलो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो अभी हम लोग हो गए हैं रेडी और मम्मी भी हो गई है रेडी। तो हम लोगों ने आज ट्विन किया है, ऑरेंज ऑरेंज पहना है, और अभी हम कहाँ जाएंगे वो भी बताएंगे। ये आज थोड़ा लेट आई है, पहली बार संडे है ना, तो चिल करके एकदम आराम से सो के आई है। तो हम लोग अभी जाएंगे कहाँ पे पता है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखो, ये है मरीना का जो लेक है, तो कैनल है यहाँ पे, ये जो राइड्स है ना, हम यहाँ पे जाने वाले हैं। तो और लेट ना करते हुए जल्दी जल्दी हम लोग चलते हैं। क्यों चले मम्मी? चलो 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 चलते हैं। सी यू गाइस। अभी हम लोग पार्किंग ढूंढ रहे हैं, पार्किंग में आ गए एक्चुअली, बट अभी पार्क करके फिर हम लोग जाएंगे बोट पे, याच पे। तो हम आ गए हैं अभी बोट्स के बीच में, बहुत सारे बोट्स हैं यहाँ पे, आपको दिखाता हूँ। इतने सारे बोट्स हैं यहाँ पे, देखो बोट्स ही बोट्स, इट्स अ बोट स्टेशन। हाँ, और ये हम पहुँच गए हैं हमारा छोटू सा क्यूट सा बोट, जहाँ पे सिर्फ हम ही जाने वाले हैं। ये देखो, दे सो हैप्पी। चलो, कैसा लग रहा है? अभी थोड़ा हवा आई है ना, बाहर काफी आज धूप है, आज काफी धूप है। और अभी मम्मी बैठ भी गई हैं और नवी भी बैठ गई है। तो दिस इज द स्पेस, यहाँ पे भी हम जा सकते हैं, हम जाएंगे यहाँ पे। तो अभी हम लोग बोट पे जा रहे हैं। ये देखो मम्मी, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। नवी, हाउ आर यू फीलिंग? कितना मजा आ रहा है। तो यहाँ पे फिशिंग की भी फैसिलिटी है, और मैं यहाँ से देख सकता हूँ ऊपर से लोग गिर रहे हैं पैराशूट लेके, तो वो भी दिखाऊंगा मैं आपको थोड़ी देर में। अभी हम लोग थोड़ी देर में अंदर जाने के बाद, ये देखो ये देखो कितना बड़ा बोट है ये, और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये देखो, ये वो हेलीकॉप्टर है जो लोगों को ऊपर लेके जाते हैं और ऊपर से फेंक देते हैं। एक्चुअली स्काई डाइव के लिए दिस इज द प्लेस, दुबई स्काई डाइव, बट अभी हम लोग वो नहीं कर रहे, बट ये बोट राइड कर रहे हैं। कैसा लग रहा है मम्मी? मजा आ रहा है? तो मम्मी का बहुत मजा आ रहा है। I'm so happy that we could make it. तो अभी हम लोग हैं मरीना में, मतलब ब्लू वाटर्स गए थे और वहाँ से हम लोग आ गए मरीना। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ बे सेंट्रल का ये बिल्डिंग है, यहाँ पे मैं पहले रुका हुआ था, ऊपर से मैं देखा करता था नीचे ऐसे बोट चलते हुए, पर कभी मैं आया नहीं क्योंकि मुझे ठीक था आना था, बट मैं बहुत लेजी हो जाता था। पर मम्मी है इसलिए मम्मी को देखना था, इसके लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। पर इसका व्यू जो है ना सच में बहुत प्यारा है, ऊपर से तो अलग दिखता है पर यहाँ नीचे आने के बाद एक अलग ही एकदम लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। कितना अच्छा लग रहा है, मम्मी को फुल ऑन मजा आ रहा है। तो वो है DEC टावर जहाँ पे हम रुके हुए हैं, और वहाँ से यहाँ का व्यू अभी दिखता है, लेकिन अब हम यहाँ पे है ऑलरेडी। ये बोट जो है वो भी वहाँ पे दिखता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया था ना कि उल्टा करके कैमरा के कहाँ पे हम जाने वाले हैं, वहाँ से हम यहाँ आए हैं। तो हमारा फोटो सेशन और वीडियो सेशन हो गया है ना, हाउ वाज इट? मजा है ना? Very amazing. I'm so happy. How was your slow-mo? Slow-mo is the best, especially. Oh! और वो सेम मम्मी ने भी किया, मम्मी ने कैसा किया दिखाओ? मम्मी थोड़ी देर पहले बोल रही थी भूख लगी है भूख लगी, लेकिन अभी यहाँ पे आने के बाद ना मम्मी बोल रही खाना पीना भी भूल गए, हम लेट हो गए तो इसलिए लेके आ पाए, बट कोई बात नहीं, वी हैड अ ग्रेट टाइम। और बाय द वे अभी रमादान है तो हम गाना बोर्ड से नहीं चला सकते,
आउटडोर्स में, लेकिन यहाँ पे अभी हल्का स्लो म्यूजिक करके हमारा डांस भी किया हमने, मजा आया ना, मजा आया। तो फाइनली हमारा बोट राइड खत्म हो गया है और बहुत मजे किए हमने, सच में बहुत मजा आया। मतलब वीडियो में शायद इतना समझ में नहीं आया, लेकिन सचमुच मम्मी के चेहरे पे जो खुशी दिख रही है ना, मम्मी अभी बोल रही थी जिंदगी भर याद रहेगी, तो सच में बहुत अच्छा लगा। और अभी हम लोग जाएंगे कुछ खाना खाने के लिए, हालांकि मम्मी बोल रही थी उनका खाना भूख ही मिट गया, लेकिन फिर भी हम खाना खाने जाएंगे। और उसके बाद एक और प्लान है जो आज हम करने वाले हैं, वो भी मैं इस ब्लॉग में इंक्लूड करूंगा। तो चलो खाना खाने चलते हैं। A few hours later. So guys, finally हम वहाँ से तो आ गए और रेडी भी होकर सब लोग चेंज करके जल्दी जल्दी निकल गए। और अभी हम जा रहे हैं आसिफ क्रीक, वहाँ पे क्या है सब कुछ मैं आपको बताता हूँ। ये मेरे बकेट लिस्ट में बहुत टाइम से था, बहुत ज्यादा टाइम से था, पर हर बार मैं आता हूँ तो एकदम लेजी हो जाता और जाना नहीं होता, लेकिन इस बार फाइनली हम जाएंगे आसिफ। तो हम आ तो गए हैं आसिफ के स्टारबक्स में, जो फेमस स्टारबक्स है, लेकिन उसके बाहर इतनी भीड़ है फोटोज खींचने के लिए, मैं आपको बाहर जाके दिखाऊंगा। अभी यहाँ पे देखो कितनी भीड़, इट लुक्स सो गुड इन पिक्चर्स एंड वीडियोस, बट इट्स रियली क्राउडेड हियर एट द मोमेंट एटलीस्ट, लेकिन बाहर जाके मैं आपको दिखाता हूँ कैसा है। तो फाइनली हम आ गए हैं आसिफ का जो स्टारबक्स है वहाँ, जो कि काफ़ी आइकॉनिक है, एंड आई थिंक दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल स्टारबक्स इन द वर्ल्ड। आई मीन दिस इज सो एंटिक एंड हेरिटेज, यू नो दिस इज सो ब्यूटीफुल, बहुत ही प्यारा है। पहले भीड़ थोड़ी ज्यादा थी, लेकिन आप अभी क्या है ना, रमादान की वजह से आप देख सकते हो यहाँ पे बाहर बहुत सारे लोग बैठे हैं। बंद था ड्यूरिंग द डे, तो ड्यूरिंग द डे मोस्टली दुबई में सारी चीजें बंद रहती है, मतलब बाहर आउटसाइड में सब कुछ खाना वगैरह बंद रहता है बिकॉज ऑफ रमादान। तो 6:30 बज चुका है अभी और ये बाहर का खुल गया है, क्योंकि इफ्तार हो चुका है और इसलिए बाहर का खुल गया, तो भीड़ काफी कम हो गया। और वी हैव गॉट द बेस्ट प्लेस, आप देख सकते हो पीछे स्टारबक्स का लोगो भी दिख रहा है, यहाँ पे स्टारबक्स लिखा हुआ भी दिख रहा है, एंड यहाँ पे वी गेट अ वेरी गुड डेप्थ। जो भी हमने फोटोज खींचा है ना, उसमें बहुत ही अच्छा डेप्थ भी मिला है, लाइट भी ठीक ठाक ही आई है, क्योंकि थोड़ा सा शाम हो चुका है, बट लाइट भी काफी अच्छी आई है और बहुत ही सुंदर। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल स्टारबक्स इन द वर्ल्ड। तो स्टारबक्स का एक्सपीरियंस तो हो गया, अभी हम लोग जाएंगे कहाँ, गोल्ड सुक के लिए हम वी कैन गो बाय रोड आल्सो, लेकिन हम लोग पानी से जाएंगे। और ये देखो आप देख सकते हो, दिस इज द क्रीक, आसिफ क्रीक, राइट, आसिफ क्रीक। तो इसको हम क्रॉस करेंगे और इसका टिकट जो है ना, हमने 3 टिकट ले लिया है, 3 टिकट सिर्फ, एक एक टिकट सिर्फ 2-2 दिरहम का है। दिस इज सो चीप, दिस इज रियली नाइस, सिर्फ 2 दिरहम में हम इस तरफ से उस तरफ तक चले जाएंगे। वाओ, वी आर एक्चुअली वेटिंग फॉर द बोट, तो अभी 5 मिनट में आ जाएगा, फिर हम लोग चलेंगे गोल्ड से। हाँ एक्चुअली हम लोग आज पानी में बहुत ज्यादा है, मम्मी को एक्चुअली पानी बहुत पसंद है, पता है, हाँ मम्मी को पानी बहुत, मुझे भी पानी बहुत पसंद है, तो हम अभी पानी में जाएंगे। ये देखो बोट आ चुकी है, हम यहाँ बैठ चुके हैं बोट पे और इसके बाद हम पहुँच जाएंगे गोल्ड सुक इन जस्ट 2 मिनट्स। वाओ, पर अब हम आ गए हैं गोल्ड सुक में, और गोल्ड सुक के अंदर अभी तक हम गोल्ड के जहाँ पे है वहाँ तक तो नहीं पहुँचे, सेक्शन में नहीं आए, बट यहाँ का जो बाजार है, दैट लुक्स सो अमेजिंग, दिस इज सो क्यूट। और मैं आपको दिखा रहा हूँ केसर यहाँ पे कैसे बिकते हैं। वाओ, फाइनली हम पहुंच गए हैं गोल्ड सुक गेट नंबर 1। गोल्ड की ज्वेलरी तो सुनी थी, इयर रिंग्स हो गया, बैंगल्स हो गया, या हार मतलब चेन या कुछ भी, नेक पीस या बहुत सारी चीजें, क्राउन तक भी मैंने सुना था, लेकिन गोल्ड का ड्रेस भी होता है, ये मुझे यहाँ आके पता चला। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो गोल्ड का ड्रेस है, ये खाली गोल्ड का ड्रेस पहनना है। और ये देखो यहाँ पे क्या क्या हो रहा, बस हो गया मेरा, हो गया स्टाइल, फैशन, अब क्या क्या पहनने वाली हो, दिखाओ, ये देखो फाइनली, इतने मैंने बोला ही था, इतना लंबा लंबा हील तो चलने में दिख, ये देखो, बट ये भी सही है, अच्छा लगेगा इसके साथ,
अच्छा लगा। Matches with my bag. Yes. Fashion का तो हो गया, अब reality. What's going on? मम्मी gold check कर रही है, कुछ ऐसे बताओ देख रहे हैं। क्या पसंद आया? मैंने मम्मी को बहुत सारे ऐसे ऐसे गोल्ड की चीजें दिखाई ना, जैसे गोल्ड का ड्रेस हो गया या गोल्ड का इतना चौड़ी चौड़ी एकदम नेक पीस है, तो मम्मी मम्मी लोगे क्या? क्यों? अरे मम्मी बोल रही है सर पे लगा के घूमेंगे तो लोग मुझे किडनैप कर लेंगे। ये तो सही बात है, इतने महंगे मतलब इतने बड़े बड़े अगर सोने की चीजें अगर पहन के घूमेंगे ना, क्या पता कब किडनैप हो जाए। बात ऐसी है कि हम गए तो थे गोल्ड सूट में, हमारा कुछ भी खरीदने का कोई भी प्लान नहीं था, लेकिन मम्मी को एक नेकलेस जो है नेक पीस है वो बहुत पसंद आ गया है। थोड़ा सा महंगा था, मम्मी को थोड़ा महंगा ही लग रहा था, तो मम्मी ने बोला नहीं लेना है, बट मैं प्लान कर रहा हूँ वो लेने के लिए और मम्मी को घर जाके सरप्राइज देंगे। तो मम्मी को कुछ पता नहीं है, अभी मैं जा रहा हूँ, मम्मी को आगे मैं कैब में बिठा के आया हूँ, अभी मैं अंदर जा रहा हूँ, अंदर जाके मैं उसको खरीदता हूँ। चलो हमारा गोल्ड सूक और अलसीफ का सफर यहाँ पे ही खत्म हो रहा है। तो कैसा लगा आप लोगों को घूम के? बहुत मजा आया। हाँ मजा आया, फुल सैटिस्फैक्शन। सिर्फ मम्मी को वो एक वो लेना था। मम्मी क्यों नहीं लिए यार, ले लेते। वो सैड है। हाँ नहीं सैड सैड हो गया, वो थोड़ी ना बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टाइम पे आएंगे तो ले लेंगे। नेक्स्ट टाइम पे आएंगे तो ले लेंगे, तो नेक्स्ट टाइम में आएंगे तो ले लेंगे। ठीक है, ओके। तो गाइज आज का हमारा ब्लॉग यहीं पे खत्म होता है। आई होप आपने ये ब्लॉग को एंजॉय किया होगा हमारे साथ साथ, हमने जितने एंजॉय किया देखो। तो कल हम लोग यहाँ से मुंबई वापस चले जाएंगे। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा आप जरूर बताना और बहुत सारा प्यार देना, लाइक कमेंट शेयर करना, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सी यू गाइज, बाय बाय।